सब कंपनी का गुलाम के लिए कर रहा है और हम लोग का बात कोई नहीं सुन रहा है, आगे क्या करेंगे सब। हाँ, यहाँ का हम लोग का आदिवासी के लिए बहुत व्यवस्था है, लेकिन यहाँ का मतलब प्रशासन जैसे कि मतलब सरपंच, MLA, MP, BDO, कलेक्टर, तहसीलदार, मतलब सब कोई हम लोग का ही जमीन का समस्या चाहिए। हम लोग कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का जमीन हम लोग को चाहिए और हम लोग का समस्या। मेरा नाम है कपिल वर्ला, गांव मारंगपीड़ी। समस्या के महावीर प्लांट का पानी आ रही है और सब खेत सब में पूरा गंदगी करके पूरा कीचड़ भर जा रहा है। महावीर प्लांट कहाँ था? महावीर प्लांट पहले 2000 में बहुत दूर में था, छोटा सा प्लांट था, अभी इतना बड़ा हो गया। सब आस्ते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आ रहा है और जमीन सब को पूरा जबरदस्ती प्रशासन का द्वारा जबरदस्ती फोर्स लगा के बाउंड्री करता है, बाउंड्री खड़ा किया। हम लोग जब उसका आवाज़ उठाए तो हम लोग को बोला कि तुम लोग आवाज़ उठाएगा तो हम लोग तुम लोग को जेल में डाल देगा। उसका बाद बोला कि कोई ऐसे केस बनाया और चोरी केस में किस किस को लेके डाल दिया। रात में आता था 2 बजे 1 बजे रात को आके उठा उठा के लेके जा चला गया। प्लांट हो गया 2006 से स्टार्ट हुआ था, मैंने 18 साल हो गया। और कोई कंपनी का आदमी आता है तो कुछ तो बोलने से बोलता है हम लोग को तो इट को दिया जमीन, कोई बोलता है गवर्नमेंट दिया जमीन, ऐसे बोलता है। तो हम लोग की आप लोग का जमीन का पट्टा पत्र है? हाँ है, ये है मेरा पट्टा, मेरा जमीन का पट्टा यही है। कितना साल से पट्टा है आपका? कितना साल से है ये तो अभी मेरा दादाजी साहब था उतना समय से है, अभी बहुत साल हो गया। जितना टाइम हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे यहाँ उतना टाइम से है जमीन का पट्टा। षड्यंत्र क्या है प्लांट वाला? प्लांट वाला का है बोलता है कि तुम लोग का जमीन माने कंपनी ले गया है, ऐसे बोलता है। तो हम लोग बोलता है कंपनी कैसा लिया, हम लोग को तो पता नहीं है कि कब लिया कैसे लिया। बोलता है नहीं, 5 बजे तक बैठा दिया, उसके बाद कुछ बात नहीं बोला। तो हम बोले क्या हुआ, दूसरा दिन फिर गया, फिर कुछ नहीं बोला। उसके बाद प्रशासन बोला कि इटको का आदमी आएगा तो बातचीत में समाधान करेंगे, ऐसे बोला प्रशासन। इधर का MLA है, MP है, सरपंच जी है, क्या कहता है? सरपंच जी को भी हम जाके बोला था, MLA तो नहीं, MLA के साथ तो नहीं हुआ, उसका आदमी आया था MLA का, वो बोला कि हाँ हम ठीक कर देंगे। आया कुछ दिन आया, उसके बाद वो भी एक मीडिया लेके आया था मीडिया वाला, लेकिन सब किया फोटो वोटो, उसके बाद कुछ नहीं किया। हाँ, प्रशासन और सरपंच MLA सब कंपनी का गुलाम के लिए कर रहा है और हम लोग का बात कोई नहीं सुन रहा है। आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे सब, फिर से जाएंगे तहसील के पास तो गए थे, तो वो पहले वाला जो तहसील था वो बोला कि हम सब ठीक कर देंगे बोला, उसका बाद बोला कुछ नहीं किया। गांव में तो बहुत सारा समस्या है, लेकिन हम लोग किसको किसका पास जाएंगे तो सही होगा वो बात हम लोग जान नहीं पा रहे हैं। कितना साल से आप संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष तो कर रहे हैं हम लोग 2012 से ही कर रहे हैं संघर्ष। क्या सफलता क्या मिला? अभी तक तो कुछ सफलता नहीं मिला है। आगे अभी हम लोग का नया मुख्यमंत्री है, उसके पास थोड़ा उसके पास जानकारी करवाना है, वो यदि हम लोग का समस्या सुनेंगे तो कुछ हम लोग का दुख तकलीफ थोड़ा दूर होगा। ये तो नया मुख्यमंत्री है, डबल नहीं सर। हाँ, क्या बताना चाहेंगे? हम लोग का ही जमीन का समस्या चाहिए, हम लोग कंपनी से कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का जमीन हम लोग को चाहिए। और क्या बताएं? और हम लोग का समस्या को सरकार दूर नहीं करेगा तो कौन करेगा, सरकार के पास जाना पड़ेगा हम लोग। आपके पास तो अभी तो जमीन नहीं बचा, लड़ तो नहीं सकेंगे, क्या मारेंगे? बाहर देश जाएंगे? बाहर देश तो जाते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ जमीने नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? सरकार से आप क्या विनती? सरकार से हम यही विनती चाहते हैं कि हम लोग का जमीन हम लोग को आपस मिल जाए।
कंपनी वो इटको का जमीन में करेगा, हम लोग का अपना पट्टा जमीन में हम लोग का पट्टा जमीन को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ का हम लोग का आदिवासी के लिए बहुत व्यवस्था है, लेकिन यहाँ का मतलब प्रशासन जैसे कि मतलब सरपंच, एमएलए, एमपी, बीडीओ, कलेक्टर, तहसीलदार, मतलब सब कोई जितना प्रशासन मतलब रक्षक सो के भक्षक बन रहे हैं। तो आदिवासी फिफ्थ शेड्यूल का एरिया का है, मतलब यहाँ मतलब सरकार का लॉ के अनुसार, सरकार का नियम के अनुसार एक मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा रहने से ही सरकार हम लोगों का जमीन को ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों का यहाँ का किसी का 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, तो बिना लॉ बिना न्याय के अनुसार हम लोगों का जमीन को ले रहे हैं पुलिस। हम लोग जब संविधान के लॉ के अनुसार मतलब जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन मतलब हम लोग उनको जेल कर दे रहे हैं, बेआईन से हम लोग उनको जेल ले जा रहे हैं। मेरा नाम है रजनी बरला, मैं ये गोईभंगा मारंगपीड़ी है ये गांव का नाम। मेरा तो अभी 37 हो गया, 37 साल से मैं ये गांव में रह रही हूँ। ये गांव में तो पहले सब कुछ ठीक था, 2006 से जैसे कि महावीर प्लांट बैठा तब से हम लोग गांव में सब समस्या स्टार्ट हो गया। क्या समस्या बोलने से पहले हम लोग तो यहाँ सुंदरगढ़ एरिया का फिफ्थ शेड्यूल एरिया का आदिवासी लोग हैं। हम लोग तो ये नहीं कि हम लोग नौकरी चाकरी नहीं करते, हम लोग जमीन में ही निर्भर करते हैं। और जब से मतलब महावीर कंपनी ये महावीर कंपनी एक्चुअली वो स्टार्टिंग हुआ 2000 पहले से, यहाँ जहाँ कंपनी हुआ वहाँ पे मतलब 10-12 घर जैसे था, वो 12 घर जैसे को हटा के मतलब छोटा ही स्टार्टिंग किया था। उसके बाद में धीरे 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 हम लोग का पट्टा जमीन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते करते अभी हम लोग पूरा पट्टा जमीन में अपना बाउंड्री कर लिया। और बाउंड्री तो ऐसे होता है कि रातों रात होता है, मतलब दिन में कुछ काम नहीं होता है, रात में हम लोग सोए रहेंगे सुबह उठ के देखेंगे तो बड़ा सा बाउंड्री। और अभी तो धीरे धीरे अभी ऐसे हाल हो गया कि हम लोग उनको जितना भी अभी बचा है जमीन उसमें कंपनी का जितना वो आयरन वाला मिट्टी, लोहा वाला मिट्टी और जितना जहरीला पानी ऐसा आ रहा है, हम लोग का खेती बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। अभी खेती जितना खेती करके मतलब चल रहे थे अभी खेती नहीं हो रहा है, फिर उसका जो जहरीला गैस आ रहा है उसमें से हम लोग उनका पेड़ पौधा ये सब कुछ काला हो जा रहा है। और यही जब से ये फैक्ट्री 2006 से स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग गांव में मतलब कैंसर और प्राय अभी हम लोग गांव यहां का प्लस मतलब बगल वाला एरिया का मतलब किडनी फेलियर तो सबका भी इधर का ये हो रहा है, फिर टीबी तो मतलब हर घर में एक जन का टीबी, मतलब अभी मतलब साल में कम से कम 10-12 निहाती यहाँ का आदमी मर रहे हैं टीबी से, कैंसर से, किडनी फेलियर से। जैसे कि हम लोग आदिवासी फिफ्थ शेड्यूल का एरिया का है, मतलब यहाँ मतलब सरकार का लॉ के अनुसार, सरकार का नियम के अनुसार एक मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा रहने से ही सरकार हम लोगों का जमीन को ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों का यहाँ का किसी का 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं है, तो बिना लॉ बिना न्याय के अनुसार हम लोगों का जमीन को ले रहे हैं। नहीं तो मान रहे हैं, नहीं तो कैसे लेते हैं? हम लोग का तो किसी का 5 एकड़ ज्यादा नहीं है। और देखिए फैक्ट्री तो बन ही गया है। अच्छा, फैक्ट्री कहाँ थी? फैक्ट्री आगे कहाँ था उसको तो नहीं जान रहे हैं, हम लोग छोटा छोटा थे, लेकिन मतलब 2006 से बाउंड्री होने स्टार्ट हुआ, मतलब यहाँ का मतलब हम लोग को यहाँ सबके पास जा रहे हैं कि मतलब हम लोग उनको कुछ न्याय दीजिए, तहसीलदार के पास जा रहे हैं, प्रशासन के पास जा रहे हैं, सबके पास जा रहे हैं, लेकिन सबको हाँ हाँ बोलते हैं, कुछ नहीं, मतलब बहुत बार, मतलब बहुत सब समय में हम लोगों का भी जब से 2006 हुआ है हम लोगों ना गांव का आदमी लोगों ने जितना कमा रहे हैं सब यहाँ वहाँ जाके ही ये कर रहे हैं, लेकिन शायद प्रशासन मतलब कंपनी का दलाली कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, हम लोग को तो सुनवाई ही नहीं हो रहा है। न्याय तो हो गया, अभी 12-13 साल से लड़ रहे हैं, न्याय नहीं क्या कहता है बोलते हाँ हाँ बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों उस बार मतलब हम लोग 2007-08 में हम लोगों जब वहाँ बाउंड्री हुआ तो मतलब हम लोगों ने लड़े तो मतलब वो अपना माने पुलिस प्रशासन को ला के वहाँ खड़ा करके मतलब बाउंड्री किए, और मतलब बिना कारण से हम लोगों ने गांव वाला लोगों को सबको 3-6 महीना सबको जेल में ये मतलब रखे थे। वो बार-बार हो रहा है। हाँ, वो बार बार उस बार भी हुआ, अभी भी मतलब हो रहा है, केस अभी तक चल रहा है सबका। अभी तो आप क्या करें?
आगे क्या करेंगे, जितना हो सक रहा है, जितना हम लोग एक दिन में मतलब 150 कमा रहे हैं, तो कम से कम हम लोग 100 रुपया का मतलब केस ही लड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, मतलब सरकार से ही मतलब अभी विनती है, पूरा प्रशासन से विनती है, अभी नया वाला मुख्यमंत्री उनसे विनती है कि मतलब हम लोग गाँव वाला के लिए कुछ करे, मतलब नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग उनका मतलब पूरा गांव का टोटल 25 एकड़ जैसे पट्टा जमी मतलब ले गया है कंपनी, अभी और मतलब लेने के लिए मतलब मिट्टी ऐसा पानी सब डस्ट सब डाल रहा है कि मतलब कैसे जमीन खराब होगा तो और लेंगे वही हिसाब से। नया वाला पचरी है तो कितना साल, ये जो नया पचरी तो पिछले साल का ही है, ये वाला नया वाला मतलब एक साल नहीं हुआ है। हाँ उसको भी हम लोग चास कर रहे थे, हाँ वो वाला पट्टा है, हाँ विरोध किए थे। प्रशासन के पास तो जाते हैं वो तो चुप ही रहते हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत गुहारी किए हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन मतलब संविधान का लो को नहीं मान रहे हैं, और हम लोग संविधान के अनुसार हम लोग जा रहे हैं करने के लिए, तो हम लोग उनको मतलब गाली दे रहे हैं पुलिस, हम लोग जब संविधान के लो के अनुसार मतलब जा रहे हैं तो पुलिस प्रशासन मतलब हम लोग उनको जेल कर दे रहे हैं, बेआईन से हम लोग उनको जेल ले जा रहे हैं। तो 12 साल में कितना आदमी को जेल, बहुत, हर घर से एक जन दो जन को जेल लिए थे, हर घर से दो जन तीन जन, मतलब लेडीज हो जेंट्स हो, जैसे कि माँ लोगों का एज का, पापा लोगों का एज का, भाई बहन हो, लड़का लड़की सबको लिए थे रात में आके। क्यों बोलने से मतलब वो ऐसे ही मतलब वो अपना अपना मतलब आ रहे हैं, हम लोग जब बाउंड्री का विरुद्ध में जा रहे हैं तो बिना मतलब वाला केस दफा लगा के मतलब जेल ये कर दिए और कर रहे हैं अभी भी। तीन महीना चार महीना ऐसे सबको ही रहे। आप लोगों प्रशासन दबा रहे हैं, हाँ आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, तो जितना तो लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग सब गाँव वासी की ओर से हम लोग बोलना चाह रहे हैं, नया मुख्यमंत्री को विनती कर रहे हैं कंपनी को उठा दे, और यहाँ का शेड्यूल एरिया का लॉ के अनुसार हम लोग आदिवासी को रक्षा करे, और हम लोग उनको जमीन लौटा दें, और कंपनी को अपना जहाँ वो कंपनी जहाँ से आया था वहीं लौटा दें, तो यही हम लोग विनती करते हैं। कहाँ का कंपनी तो नहीं जानते थे, लेकिन मालिक को भी नहीं जानते, मालिक तो कभी आते नहीं है, उनका जो ऑफिसर लोगों ने वही सब आते हैं, कंपनी अभी तक आप लोगों को काम मिल रहा है, कंपनी नहीं दे रहा है काम, आप लोग कहाँ काम करते, जितना इसे ही रहते हैं खटते हैं, नहीं तो बाहर दादन खटने के लिए सब कोई जाते हैं। गाँव नहीं रहने से कहाँ रहेंगे, मतलब कहीं जाएंगे भीख उख मांगेंगे, अगर गाँव आगे जितना अगर लड़ रहे हैं अगर होगा तो ठीक है। कब तक लड़ेंगे, आपका बात तो प्रशासन नहीं सुन रहा है, कलेक्टर भी कंपनी का गुलामगिरी करते हैं, सरपंच भी, एमएलए भी, एमपी भी, और बोलते हैं तहसीलदार को गुलामगिरी करते हैं, क्या करेंगे, लड़ रहे हैं अगर सब लड़ेंगे, जगह जमीन जा रहा है तो लड़ रहे हैं, अगर नहीं ही छीन ही लेगा तो कहीं जाएंगे, रोड में जाएंगे, सब कोई मतलब भीख उख मांगेंगे और क्या करेंगे, अगर प्रशासन नहीं सुनेगा, मतलब मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं वो नहीं सुनेंगे तो गांव, तो यहां अगर कंपनी पूरा ले लिया, जगह ले लिया, तो कहीं तो और जाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग मैंने प्रशासन से सबसे विनती कर रहे हैं कि हम लोगों को अपना न्याय दिलाए, और हम लोगों को अपना जगह हम लोगों को लौटा दें, और मतलब शेड्यूल एरिया का मतलब लोगों को जाने, और सबको हम लोगों को न्याय दें। और क्या कहना चाहेंगे, हाँ यहाँ का हम लोगों का आदिवासी के लिए बहुत व्यवस्था है, लेकिन यहाँ का मतलब प्रशासन जैसे कि मतलब सरपंच, एमएलए, एमपी, बीडीओ, कलेक्टर, तहसीलदार, मतलब सब कोई जितना प्रशासन मतलब रक्षक सो के भक्षक बन रहे हैं, मतलब हम मतलब और एक बार मैंने पूरा सब मतलब प्रशासन से, और हम लोग उनका नया मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री जी से मतलब हम नेहुरा विनती कर रहे हैं कि मतलब हम लोग उनका मतलब समझे जाने, और मतलब हम लोग उनका न्याय दें, और
यही विनती है कि हम लोगों को बहुत जल्द न्याय दे और